हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स कंपनी दे रही है, लेकिन अगर आप बीते कुछ टाइम से अगर आप देखो, बीते वन मंथ के अंदर देखो तो 10% की रैली ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और यहाँ पे आप देखिएगा, हर एक टाइम यहाँ पे 1500 तक ये स्टॉक जाता था और वापस नीचे चला जाता था, लेकिन यहाँ पे इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला और स्टॉक है जो ऊपर निकल गया है, एक नया ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है और स्टॉक 1627 रुपया पे देखने को मिला है और क्लोजिंग भी 1600 रुपया से ऊपर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि स्टॉक है जो अप ट्रेंड में आ चुका है और यहाँ पे स्टॉक वापस अपने पुराने वाले हाई को टच करने के लिए बिल्कुल रेडी होने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे 10% का रिटर्न है और 1 महीने में भी 10% का रिटर्न है। यानी मतलब जो रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो रिटर्न यहाँ पे कंपनी दिया है इसी टाइम पे ब्रेकआउट। अगर आप देखोगे तो 1500 रुपया 6 मंथ की बात कर लेते हैं, 1 साल की भी बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जो हाई देखने को मिल रहा था 1 जनवरी 2024 का 1591 रुपया का, 1600 रुपया क्रॉस नहीं कर रहा था। और यहाँ पे हर एक यहाँ पे पॉइंट में 1 साल का जो भी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा था उसको यहाँ पे ब्रेक करता हुआ नजर आया है और ये जो ब्रेकआउट है एक तरह से यहाँ पे ये साइन दे रहा है कि अब स्टॉक रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं Q1 क्वार्टर की रिजल्ट्स की और साथ में यहाँ पे पूरा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। दोस्तों, वन ऑफ द अगर हम कहें तो बेस्ट स्टॉक कह सकते हैं अपने सेक्टर में, जिस सेक्टर में यहाँ पे ये काम करती, केमिकल सेक्टर में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टॉक है और फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट नज़र आता है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के। 2023 के अकॉर्डिंग ये कंपनी के पास 502 एम्प्लॉय काम करती है और फाउंडेड 2003 देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्लीन फाइन केम लिमिटेड करके इनकी एक सब्सिडरी भी कंपनी आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों, अगर आप देखोगे तो 5 ईयर्स बैक अगर हम जाते हैं तो 5 ईयर्स बैक में यह स्टॉक 0.47% गिरावट ही देखने को मिला है और यहाँ पे एक तरह से ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। 2593 रुपया इसका शेयर प्राइस देखने को मिलता था क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का, जो अभी के टाइम पे आपको जो प्राइस देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे 1627 रुपया है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टॉक है जो जब से IPO आया था तो ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन वापस स्टॉक एक तरह से डाउन ट्रेंड में चला गया और स्टॉक कंसोलिडेट करते रहा 1500, 1600, 1400 इस तरीके से लेवल से, लेकिन 1600 क्रॉस नहीं कर पा रहा था। इस बार 1600 क्रॉस भी किया है। अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है कंपनी के उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो आपको चीज़ें देखने को मिलेगा कंपनी का जो मार्च क्वार्टर 2024 का रिजल्ट्स है और मार्च 2023 का जो रिजल्ट्स है, यहाँ पे आप देखोगे इनके प्रॉफिट अभी भी डाउन ही देखने को मिला है। मार्च में भी यहाँ पे मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे 217 करोड़ से इनका सेल्स बढ़ के 218 करोड़ होता हुआ नजर आया, सॉरी 228 करोड़ होता हुआ नजर आया। और दिसंबर क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें तो दिसंबर क्वार्टर से यहाँ पे इंक्रीज क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे जंप देखने को मिला है बेसिकली इनके खास करके सेल्स में। तो यहाँ पे होपफुली यहाँ पे सेल्स में जंप देखने को मिला है, प्लस यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे जो यहाँ पे मार्जिन 40% पे पहुँच गया था वो मार्जिन थोड़ा सा इम्प्रूव भी हुआ है। और यहाँ पे एक तरह से अगर हम देखें तो ये स्टॉक के अंदर जो मूव आने का मेन रीज़न है कि यहाँ पे स्टॉक में जो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे केमिकल सेक्टर के अंदर सुधार देखने को मिल रहा है और यहाँ पे क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यहाँ पे अपसाइड आपको बहुत जल्द दिखाने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट्स डेट अगर हम बात करें तो यहाँ पे टुडे आज का डेट ही है जो आज कंपनी यहाँ पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स पब्लिश करने वाली है। और यहाँ पे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा मार्केट कैप है इस कंपनी का, 17,231 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है और लीडिंग मैन्युफैक्चरर लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर ग्लोबली अगर हम देखें तो ये कंपनी है। और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली परफॉर्मेंस केमिकल की बात कर ले तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और इसके साथ फार्मास्यूटिकल
इंटरमीडिएट्स की बात कर लें या एफएमसीजी से रिलेटेड यहाँ पे भी प्रोडक्ट बनाती हुई नज़र आती है। एमईएचक्यू इन नंबर वन है इन द वर्ल्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। एमईएचक्यू एक प्रोडक्ट है केमिकल से केमिकल का, उसी में से ये नंबर वन कंपनी है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, ये दोनों चीज़ें कंपनी का अच्छा है और ईपीएस 23 रुपये फिलहाल जनरेट करती हुई नज़र आती है और रिजर्व कंपनी के पास 1193 करोड़ का देखने को मिलता है। इनके पास डेप्ट ना के बराबर 2.03 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं वर्चुअली बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। हाईएस्ट प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार का प्लेजिंग परसेंटेज नहीं है, तो ये सब सारी चीज़ें कंपनी का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी के जो पेट्रोस्की स्कोर कम जरूर है, लेकिन यहाँ पे एफआईएस के पास होल्डिंग 6.05, डीआईएस के पास 4.55% की हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आरएसआई बुलिश नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें कि बड़े इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर क्या स्ट्रेटजी अभी अपना रहे हैं, तो यहाँ पे एफआईएस की अगर हम बात करें तो एफआईएस रिसेंटली खरीदारी करते हुए नजर आए हैं इस कंपनी के अंदर और डीआईएस माइनर अमाउंट में यहाँ पे बिकवाली करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है और यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग है वो स्टेबल है। दोस्तों तो प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एफआईएस खरीदारी जरूर कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। दोस्तों यहाँ पे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर इनकी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहाँ पे इस तरह के कुछ यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिलता है और यहाँ पे क्लीन साइंस की अगर आप देखें क्लीन फाइन केम करके भी इनका वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स कौन कौन से प्रोडक्ट है, इनकी कोर वैल्यूज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर। और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे cleansaience.co.in पे भी जाते हैं तो यहाँ पे भी सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। और ख़ास करके आप देखिएगा इनका मेनली जो है 3 प्रोडक्ट ही है, वो परफॉर्मेंस केमिकल्स है, फार्मा एंड अग्रो इंटरमीडिएट्स से रिलेटेड काम करती है, एफएमसीजी केमिकल्स में काम करती है। ये 3 चीज़ों में काम करती है कंपनी और 3 चीज़ों में एक तरह से देखें तो महारथी इनके पास है और यहाँ पे आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों, तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 1193 करोड़ का इनके पास रिजर्व, बोरोइंग मात्र 2 करोड़ का और यहाँ पे कंपनी बोरोइंग लेती भी नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कभी भी बोरोइंग नहीं ली है कंपनी। यहाँ पे CWIP में भी वर्क देखने को मिलता है और इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू कंपनी करती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ टोटल लाइबिलिटीज और एसेट्स कंपनी का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें कंपनी का अच्छा है। और प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको जो देखने को मिलेगा कंटिन्यू और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन मार्च 2024 में इनके जो सेल्स है उसके अंदर गिरावट देखने को जरूर मिला था, 936 करोड़ से 791 करोड़ होता हुआ नजर आया था, 295 करोड़ से 244 करोड़। अगर यहाँ पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट खराब आता है तो स्टॉक में प्रेशर क्रिएट होगा और स्टॉक डाउन साइड जाने की चांसेस बढ़ जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, जिससे कि यहाँ पे आने वाला अपडेट आपको इमीडिएटली मिल जाए। दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं किसी भी प्रकार का सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ, तो मैं किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।